हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में तुम लोगों को भाई एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उस नान, मतलब एक जो डाउनलोड होता है ना, वो डाउनलोड ग्लिच हो जाता है। एंड उधर जब डाउनलोड स्टार्ट करते हैं तो उधर या तो वेट या फिर NAN लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं उसका एकदम सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पहले आपको को दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना कोई मूड भी सिलेक्ट करने जाओगे ना, तो आपको यही सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ भी डाउनलोड कर लो, आपको या तो वेट आ रहा होगा या फिर NAN लिख के आ जा रहा होगा। तो यहाँ पे भाई सभी के पास ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, मेरी भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत मुश्किल से निकाला है। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे भाई अपना जो कहते हैं अपना जो पबजी है बंद करके हम लोग को अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर पे वो खोलने के बाद ना आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आके जेड अचीवर नाम का एक ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसकी लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसको जब इंस्टॉल कर लोगे, मतलब इंस्टॉल पे बटन पर दबाओगे, ये 4 MB की ऐप है, बहुत मतलब कहते हैं कम MB की ऐप है, आराम से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। एंड कहते हैं इसके अंदर फाइल मैनेजर है जिसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी गाइस जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अभी डाउनलोड हो चुका है ये, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग भी इसको ओपन कर लेना, एंड जितनी परमिशन मांगे आप लोग उसको उतनी ज़्यादा परमिशन दे देते दे। गाइस आप लोगों को भाई यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड के बाद डाटा पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। अब आपका शायद से क्लाउड खुल जाए, मेरा क्लाउड खुल गया था। अगर आपका क्लाउड खुल रहा है ना, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे एक यूज दिस फोल्डर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को उसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड फिर क्या कहते हैं आप लोगों का एक इंटरफेस खुल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पहले आप लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हो, भाई यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज दिस फोल्डर है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड आप लोगों का फिर एक इंटरफेस अभी खुल जाएगा। तो गाइस इधर देखो, मैंने अभी यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करके अलाव पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को भाई नीचे जाते आना है, या फिर आप लोगों को बस एक फाइल का नाम ढूंढना है जिसका नाम है com.pubg.im mobile करके है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे साइड में लोगो भी मिल जाएगा। देखो मेरे को यहाँ पे मिल गया com.pubg.im mobile। उसके बाद आप लोगों को भाई यहाँ पे उसके पे क्लिक करने के बाद फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को भाई क्लिक करना है UE4G game पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये फिफ्थ फोर्थ उस पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद शेडो वाले फोल्डर पे क्लिक करके सेफ्ट पे चले जाना। सेफ्ट पे जाने के बाद 2 बार शेडो का फ्लोटर आएगा, उसके पे क्लिक करना, ठीक है, 2 बार, एंड फिर सेव पे क्लिक करना। फिर आपको पैक्स पे जाना है। पैक्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 फाइल मिलेंगी गेम पैच की, तीनों को एक एक करके डाउन कहते हैं अनइंस्टॉल कर देना, डिलीट कर देना, सॉरी। तीनों को डिलीट करने के बाद आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तीनों को डिलीट हो गई। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपना पबजी मोबाइल खोल लेना अच्छे से एकदम अपना। जब जैसे ही पबजी मोबाइल खोलोगे, एकदम आपको एक 0.07 MB का अपडेट मिलेगा, एंड आप लोग फिर उससे वो कर सकते हो, क्या कहते हैं मतलब आपको साइक से मैप डाउनलोड करने को मिल जाएंगे जो आपने डाउनलोड नहीं कर रखे थे, एंड जो डाउनलोड कर रखे थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। देखो मेरे को मेरा पबजी यहाँ पे मिल गया। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करने वाला जो 0.07 MB का जो डाउनलोड करने वाला फ्रेज था वो हटा दिया, क्योंकि मेरे थोड़ी देर ज़्यादा देर तक डाउनलोड चलता है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जैसे ही खुलेगा, मेरे को वो जो स्क्रीन दिखाती है वो दिखाएंगी। उसके बाद भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। एंड ये बहुत ज़्यादा ही कहते हैं बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फिर आप लोग बस इरेंगल खेल सकते थे। जिसके पास ये प्रॉब्लम है उन सबको पता ही होगा, ठीक है। एंड जिसके हो रखी है प्रॉब्लम, जिसके फ्रेंड्स को हो रखी है प्रॉब्लम, ये लोग उनको शेयर करके आप लोग बता सकते हो, एंड आप लोग उन लोगों को बताओ कि हाँ भाई इसने बताया है, तो उसकी वीडियो देख के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मेरा डाउनलोड हो रखा है, जो जो मैंने डाउनलोड कर रखा था, मेरा टीम डेथ मैच एंड साइड से डाउनलोड हो रखे हैं। अभी आप क्लासिक पे जाओगे, आपको क्लासिक भी देखने को मिलेगा। मैं डोमिनेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, डोमिनेशन डाउनलोड भी हो रहा है, तो यहाँ पे एकदम सही हो गया मेरा, एकदम क्या कहते हैं करेक्ट हो गया, जैसा मेरे को चाहिए था वैसे ही हो गया। अब आप कोई सा भी मैप खेल सकते हो, बस डाउनलोड करने की देरी है, एंड जौन सा मैप डाउनलोड नहीं करके वो अगर कर लो, जो हो रखे हैं वो वापस आ जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।